अब आपके शहर मऊ हकीकतपुर में आजमी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन बड़े हर्षोल्लास के साथ तैयब पालकी एवं समील अंसारी द्वारा किया गया। डॉक्टर जहरुद्दीन ने पूरे मऊ जनपद वासियों को यहां की सुविधाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां न्यूरो साइकेट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट एवं डायलिसिस, स्त्री रोग और अनेक प्रकार की बीमारियों की पूरी सुविधा देने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास है कि कम खर्च में जनपद वासियों को उचित एवं अच्छा इलाज मिले। डायलिसिस जहां और हॉस्पिटल में 1500 और 2000 के बीच होता है, हमारे यहां 1000 और 1200 के बीच होगा। ईसीजी मात्र 150 में और गरीबों को मात्र 100 में किया जाएगा। हमारे आजमी हॉस्पिटल में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस का शुल्क लिया जाएगा जो बहुत कम होगा, जिससे मैनेजमेंट की देखरेख हो सके। इस हॉस्पिटल में अभी 8 से 9 डॉक्टर मौजूद हैं और अभी डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल से जुड़ेंगे। उनका कहना है, हम लोगों का लक्ष्य जनपद वासियों के मरीज को कम से कम खर्च में अच्छी सुविधा दे सके। हमारा पता है आज भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हकीकतपुर निकट पुरानी आरटीओ ऑफिस मऊ, सुविधाएं डायलिसिस सुविधा, आईसीयू एवं एनआईसीयू, जनरल सर्जरी, मानसिक रोग, स्त्री रोग का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 0547297038। दूसरा संपर्क क्षेत्र 9451271501। तमाम लोगों से बाइक भी लिया और उद्घाटन हो भी गया और अल्लाह से यही दुआ है कि ये खूब आगे जाए, जिस मकसद से मौलाना ने खोला था। तो बेचारे बस जो उनकी उनके मन में जो लोगों के प्रति वो थी मेडिकल लाइन में काम करने की, अल्लाह ताला उसे कबूल करे। उनके बच्चे हैं, डॉक्टर साहब हैं, इसको ले के चले जिस मकसद के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। बस अल्लाह से यही दुआ गो है कि ये चले, अब कामयाबी की तरफ जाए, आम आदमी से फ़ायदा उठाए। शहर के ये बीचों बीच है और काफ़ी, क्या लगता है आपको, शहर वासियों के लिए काफ़ी नहीं, ये मऊ के शहरियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है और मौलाना अफसारुल्लाह साहब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने बड़ा मेहनत करके और इसके जब पहली बिल्डिंग का उद्घाटन था तभी मैं आया था और इसके संगे बुनियाद में भी मैं आया था। आज अल्लाह का शुक्र भी मिलेगी, यही हम लोगों की दुआ है। इन बच्चों के कहने ही पे हम लोग आए हैं और इंशाल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पे ही चलेंगे और कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। आप सभी लोगों की दुआएं इनके साथ हैं। शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे? अब शहर के लोगों से यही कहेंगे कि ये खुला है तो इसका लाभ उठाएं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ आपका पेट भर सकता है, आपका अच्छा इलाज हो सकता है, अच्छे रेट में हो सकता है, तो इधर उधर जाके लूटने की ज़रूरत नहीं है। जिस मकसद के लिए बनाया गया उस मकसद में ये लोग खड़े उतरेंगे, आवाम को फ़ायदा होगा। मेरा नाम खुर्शीद अहमद मिफ्ताही है, सदर जमीयत उलमा ज़िला मऊ, उस्ताद हदीस जामे मिफ्ताह उलूम मऊ। आज कहाँ पे आए हुए हैं, क्या है? आजमी अस्पताल हकीकतपुरा मऊ की नशात सानी है। उसी मौके और उसी तकरीब के मौके से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और आजमी अस्पताल की इब्तदा तो मौलाना अफसारुल्लाह साहब कासमी नवर अल्लाह मरकदऊ ने अपने वक्त में हम इन्हों से करा दिया था, लेकिन तब से उनके इंतकाल के बाद बहुत सी कुछ परेशानियाँ थी जिसकी वजह से अस्पताल बंद के करीब था, चालू था लेकिन बंद के करीब था। अब अच्छे डॉक्टरों की टीम, ख़ास तौर से डॉक्टर जहीरुद्दीन साहब आजमी जो इसकी क़यादत करेंगे और इनकी अध्यक्षता में तमाम डॉक्टर हजरात मरीज़ों की खिदमत करेंगे, उसकी यह नशत सानिया का मौका है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से, खसूसन मऊ के लोगों से दरख्वास्त है कि इस अस्पताल में ज़रूर अपने मरीज़ को लेकर आएँ। डॉक्टर साहब से हम लोगों की बात हुई है, जितनी भी आसानियाँ मुमकिन है वो मरीज़ों को आसानियाँ देंगे, कम से कम रेट पर मरीज़ों का अच्छा इलाज करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके वास्ते से मरीज़ों को शिफा कुल्लता फरमाए और इस अस्पताल को ज़रिए का लोग की शिफा बनाए और लोगों के रुझान को इसकी जानिब मायल फरमाए। इसलिए तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर कह लो कि इस अस्पताल से रुजू करें, अच्छा इलाज होगा, सस्ता इलाज होगा और हम लोग खुद इनकी सरपरस्त हैं। आपके और न्यूरो साइकेट्री के हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट है, डायलिसिस की पूरी सुविधा है यहाँ पे और यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं सारे डॉक्टरों को यही है कि कम से कम खर्च में लोगों को अच्छी सुविधा दी जाए। ये क्या नया हॉस्पिटल है? ये हॉस्पिटल तो मौलाना साहब का खुला हुआ था और बस यहाँ पे कुछ कमी की वजह से, डॉक्टरों की कमी की वजह से
ये जो है पूरी तरीके से जो है शुरुआत नहीं हो पाया जी। आज इसका जो है फिर से जो है शुरुआत होने जा रही है। इंशाल्लाह मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आइए और हमें एक बार जो है मौका दीजिए, इंशाल्लाह लोगों की पूरी सेवा की जाएगी यहाँ पे। आप किसी भी चीज़ का रेट बता सकते हैं अगर देखा जाए दूसरे हॉस्पिटल के मुताबिक? अगर दूसरे डायलिसिस की अगर मान लीजिए कि दूसरे हॉस्पिटलों में 1500 से 2000 रुपया है, तो मेरे यहाँ डायलिसिस की 1000 से 1200 रुपये उससे भी कम में दिया जा रहा है हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम से। ECG जो बाकी जगह पे 250-200 रुपया है, हमारे यहाँ 100 से 150 रुपया है, और अगर गरीब तबके का लोग है तो उसमें भी किफ़ायत की जाती है। क्या फीस भी है डॉक्टरों की? डॉक्टरों की कोई ऐसी फीस नहीं है, जो एक रजिस्ट्रेशन फीस है जो हर जगह होती है, तो वो एक समझ जाइए बराए नाम है, और वो बराए नाम ही फीस दी जा रही है ताकि एक रजिस्ट्रेशन है यहाँ के जो मैनेजमेंट है ताकि उसका जो है कुछ कम से कम जो है उसका इंतज़ाम हो सके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है आप शहर के लोगों को पेश दे पाएंगे? पूरी कोशिश है हमारी इंशाल्लाह। हमें किसी से देखिए, मैं अपने किसी डॉक्टर की बुराई तो नहीं करता हूँ, क्योंकि हर डॉक्टर अपने डॉक्टर में अच्छा होता है, वो अपने मरीज की पूरी कोशिश करता है, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि अपने मरीज को पूरा बेस्ट दूँगा और बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। कितने डॉक्टर हैं टोटल इस हॉस्पिटल में? इस हॉस्पिटल में अभी तकरीबन हमारे यहाँ 8 से 9 डॉक्टर हैं, और भी कई डॉक्टर जो हमसे जुड़ने के लिए हैं प्रयास में हैं, इंशाल्लाह उनको भी जोड़ा जाएगा। आगे क्या इसमें कुछ नया भी करेंगे? इसमें बहुत कुछ नया करने के लिए सोचा गया है। इसमें सोचा मैंने तो कुछ नहीं है, सोच एक मौलाना साहब की है, मौलाना साहब ने बहुत कुछ सोचा है इसके बारे में। बस आज़मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन आज़मी साहब की पूरी टीम, डॉक्टरों की टीम यहाँ पर काम करने जा रही है। पहले से ये संचालित था, अभी पहले से इनके बच्चे देख रहे हैं जी, क्या जी कहेंगे? नहीं, इनके बच्चे तो देखेंगे ही, और डॉक्टर साहिबान का यहाँ पर पूरी मल्टी स्पेशलिटी सेंटर इन्होंने स्थापित कर दिया है, और इसमें हर तरह का इलाज की सुविधा है। क्या खास कुछ खास? खास तो डायलिसिस है और OT है, सब कुछ है, और ECG है, और सभी गायनी डॉक्टर भी हैं, और फिजिशियन है, न्यूरोसाइरिट्री है, सभी लोग हैं। तो चेयरमैन साहब इनके लिए क्या कहेंगे आप, जनता से क्या अपील करेंगे? इनकी जो ये है कि सस्ता इलाज, अच्छा इलाज, और लोगों की परेशानियां जो इधर उधर जा रहे हैं उनकी परेशानियां दूर हों, और यहाँ के ख़ास तौर से लोग राहत मिले। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है? ये हकीकतपुरा में पड़ेगा, मऊ में पड़ेगा। ठीक, मैं डॉक्टर ज़हीरुद्दीन आज़मी, मुझे इस हॉस्पिटल में जो है एज ए होता है, मुझे इस हॉस्पिटल में काफ़ी चीज़